ये देखिए आज हम बना रहे हैं छोले की सब्जी और पूड़ी। तो इसके लिए मैंने 3-4 घंटे चने भिगो दिए थे, फिर उसे 4 सीटी लगाकर उबाल लिए थे। अभी उबल चुके हैं अच्छे से। अब हम इसका सालन ग्रेवी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 प्याज है इसे बारीक बारीक काट काट लिया है, और ये 3-4 टमाटर है इनको मैंने मिक्स जार में पीस लिया है, और इसके बगार के लिए कलौंजी और जीरा लिया है। ये इसमें कुछ मसाले हैं जो जाएंगे, पिसा धनिया 1/2 चम्मच, लाल पिसी मिर्ची 1/2 चम्मच, चाट मसाला 1/2 चम्मच, भुना कुटा जीरा, नमक स्वाद के हिसाब से क्योंकि हमने चनों में भी डाला है उबालने में, और ये छोले मसाला है, और ये हल्दी। ठीक है, अब हम इधर अपना भुना, इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ठीक है, 2 चम्मच ऑयल डाल के हम बघार लगाएंगे। ये हो जाए तो हम इसमें ये 1 चम्मच बेसन डाल के भूनेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको हल्का हल्का भूनना, इसको हल्का हल्का भूनना है, इसको ब्राउन नहीं करना है। फिर इसमें हम प्याज डाल देंगे, इससे इसमें गाढ़ापन आता है और बहुत सोंधापन लगता है इसको खाने से। इसमें हम प्याज डाल करेंगे, आप लोग बताइए आप लोग किस तरीके से बनाते हैं। और छोले आप लोग किस चीज से खाना पसंद करते हैं, पराठों से, पूड़ी से, किस चीज से पसंद करते हैं? वैसे मुझे तो ये छोले पूड़ी पसंद नहीं है। सुबह दाल चावल बनाए थे तो मैं चावल अभी बनाए हैं, दाल सुबह बनाई थी मैंने, तो मैं दाल चावल खाऊंगी। मुझे छोले पूड़ी ये सब पसंद नहीं है, मैं बहुत कमी से खाती हूँ। ये तो मैं मेरी बेटी की पसंद का बना रही हूँ, वरना मैं पराठे बनाने वाली थी इसके साथ, और उसने बोला कि आपको हमारे यहाँ आवाज भी आ रही होंगी गाड़ी वगैरह की, तो ये हमारे यहाँ गाड़ी मुर्गी हैं सब होता रहता है। अब इसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। प्याज को भी हमें लाल नहीं करना है, हल्की गुलाबी करना है। इसमें अपना टमाटरों का पेस्ट डाल देंगे। ये देखिए मसाला, टमाटर हमारे थोड़े गल गए हैं, अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे, मिक्स कर देंगे। मिक्स करके थोड़ा इसको ऐसे भून के फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। यहाँ हमने दूसरे चूल्हे पर थोड़ा सा पानी डाल के इसको भूनने के लिए रख देंगे हल्दी आंच पर, ताकि ये मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। इस कर देंगे हम और इसे ढाक देंगे। यहाँ हमारा तेल गर्म हो गया है, अब हम पूड़ियाँ तलना स्टार्ट करेंगे क्योंकि सबको अब भूख लगने लगी है।
खाने का वक्त हो गया है। कि देखिए हमारा मसाला भुन गया है अच्छी तरीके से, तेल ऊपर आ गया। अब हम इसमें चने डाल देंगे। इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से और 5 मिनट अच्छे से कटकी आने देंगे। नमक टेस्ट कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है। जैसे हम 5 मिनट खटकी आने देंगे। चने बनकर रेडी हो गए और हम इसमें ऊपर से बना लेंगे घी का। ये घी है, घी में थोड़ी सी लाल तुलसी मिर्च डाल के इसका बघार, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है इसकी शक्ल। हरा धनिया डालेंगे और ये हरी मिर्च डालकर दिखाती हूँ।